चलिए आज हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 9.1 का 39 नंबर का सवाल को देख रहे हैं। इसमें आपका कहा गया है एक सीढ़ी है जो किसी भवन से लगा हुआ है और उस समय भवन के शिखर से है ना सीढ़ी का जो पाद बिंदु है वहां से भवन का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा था और उसी बिंदु से सीढ़ी को क्या किया गया पलट करके दूसरे भवन में लगा दिया गया और उस समय भवन के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा था। तो सवाल में पूछा कि ये दोनों भवन जो है दोनों भवन के बीच में जो गली है उस गली का चौड़ाई कितना है वो ज्ञात कीजिए है ना। तो भवन के बीच में सीढ़ी था इधर पलटा रहा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था इधर पलटा रहा था तो 45 डिग्री का एंगल था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्लियरली रूप से इधर दो त्रिभुज बन रहा है सीढ़ी है और सीढ़ी का लंबाई आपका सवाल में दिया गया है 26 मीटर। तो सीढ़ी का लंबाई दिया हुआ तो वो ना ही तो घटेगा ना ही तो बढ़ेगा चाहे इधर पलट दे चाहे इधर पलट दे है ना वो तो आपका उतना ही रहेगा। तो हम लोग वही चीज मान लिए हैं कि माना कि गली की चौड़ाई ए बी है ये ए और बी गली की आपका चौड़ाई है तथा सीढ़ी बराबर सीई बराबर 26 मीटर। ये देखिए सीढ़ी सीई बराबर 26 मीटर ये सीढ़ी है भवन बी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ये जो भवन बीई है इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ये जो भवन है आपका ए डी ठीक उस एडी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो यहाँ पे दिखा दिया गया है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा जो दोनों आपस में इक्वल है यानी कि सीढ़ी है वो 26 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज देख रहे हैं किसी भी त्रिभुज से हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग सी ए डी में चले गए सी ए डी में हमको यहाँ पे ये भुजा पता ठीक हमको ज्ञात ये वाला करना है ठीक। इस भुजा को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस भुजा को हम लोग ज्ञात करने के लिए ऐसा काम करेंगे कि ये जो है आपका दोनों के बीच में कौन सा संबंध है कौन सा रिलेशन आ सकता है आपका तो ये देख लीजिए कोस का रिलेशन आ सकता है ये बी है ये एच है तो बी और एच के बीच में आपका रिलेशन कौन सा आ जाता है कोस का तो कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू ए सी बा सी डी तो कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है आपका ए सी है तो ए सी सी डी का वैल्यू 26 मीटर है। तो यहाँ पे रख दिया गया हम लोग क्या किए कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दिए ये देखिए तो ए सी √2 हो गया बराबर 26 गुना 26 मीटर हो गया √2 यहाँ पे गुना में इधर आके क्या बन गया डिवाइड में। अब जैसे 26√2 आ गया तो हम लोग जानते हैं कि नीचे में √2 आएगा हम लोग क्या करते हैं हर का परिमेयकरण कर देते हैं ठीक है। तो 26/√2 गुना √2/√2 है ना तो 26 को √2 से गुना करेंगे 26√2 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा 2 1 2 और ये 13 1 13 2 26 हो जाएगा ठीक है। तो आपका एसी का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 13√2 मीटर आपका एसी निकल गया। ये देखिए एसी ये वाला चीज निकल गया इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला समकोण त्रिभुज ये वाला है समकोण त्रिभुज सीबीई में ये देखिए 60 डिग्री का एंगल है तो अब देखिए यहाँ पे हमको ये वाला भुजा पता है ये वाला भुजा हमको क्या करना है निकालना है इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन लेना होगा तो इस दोनों के बीच में कोस का ही रिलेशन है तो कोस 60 बराबर बीसी बाय सी कोस 60 का मान 1/2 होता है हम लोग जानते हैं और सी का मान 26 मीटर दिया हुआ है ना yes, तो अब हम लोग कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दिए हैं बीसी को 2 से तो 2BC हो गया 26 को 1 से तो 26 मीटर हो गया तो बीसी बराबर आपका कितना हो जाएगा ये देख लीजिए 2 यहाँ पे किस में गुना में इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड में तो 2 से 26 कटेगा तो 13 मीटर आपका डायरेक्टली निकल जाएगा तो बीसी निकल गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं देखिए एसी और बीसी ये दोनों निकल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं जोड़ देंगे इस दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा है ना हमको ए बी ही प्राप्त करने के लिए सवाल में कहा गया था
इसीलिए हम लोग माने रीति की गली की चौड़ाई ए बी। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक में LHS में क्या था AC और यहाँ पे RHS, LHS में क्या है BC, तो LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं, RHS को RHS के साथ। तो RHS में इतना है आपका, देख लीजिए है ना, 13√2 है, इधर 13 है ना, RHS RHS जुटा। AC और BC देख लीजिए, AC प्लस BC, एक छोटका डंडा मिलके बड़का डंडा AB हो गया, ए बी। अब देखिए यहाँ पे रूट 13√2 है, ये 13 है, 13 क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 13√2+1। आप इतना आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर सही है, किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट का वैल्यू पुट करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ए बी बराबर देखिए रूट 13 है, तो 13√2 का वैल्यू हम लोग 1.414 लिखे हुए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग रूट का वैल्यू रख देते हैं, ये 1 है तो 1 रख देते हैं, अभी दोनों को जोड़ देते हैं, 1.414+1, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 के बाद क्या होगा, पॉइंट होगा, इसके आगे 0 होगा, तो 0 के साथ जोड़ेंगे 400, यानी कि 414 को, तो इतना ही आ जाएगा, ये 1+1 मिलके 2 हो जाएगा। अब जैसे इसको इससे हम लोग गुना कर देते हैं, आपका इतना आ जाता है, ठीक है। तो गली की चौड़ाई हम लोग ज्ञात कर लिए इस तरीके से, गली की चौड़ाई क्या है तो ए बी है, ए बी का वैल्यू आपका कितना निकला 31.382, जो कि किसके लगभग हो सकता है आपका, ये आपका 31.4 मीटर के लगभग में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, सवाल को बना सकते, बहुत ही इजी सवाल है, बस हम लोग इस पर वर्क कर लेते हैं, जिस तरीके से कहा जाता है हम लोग उसी तरीके से काम कर देते हैं, काम करने से आराम से मेरा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। चलिए अब हम लोग केसी सिन्हा का ही 40 नंबर के सवाल को देखते हैं। 40 नंबर के सवाल में कहता क्या चीज है, दो आपका स्तंभ है, स्तंभ जो है समान ऊंचाई का स्तंभ है, स्तंभ ये देख लीजिए, ये भी और ये भी, दोनों स्तंभ जो है आपका समान ऊंचाई का स्तंभ है, ठीक। कहा गया दोनों स्तंभ का जो आधार है, आधार को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा के किसी बिंदु से एक स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो रहा है, दूसरा 60 डिग्री हो रहा है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग काम किए, वहां पे सबसे पहले मान लिए हैं, माना कि स्तंभों की ऊंचाई AB बराबर CD है, ये AB बराबर CD दोनों आपका सेम ऊंचाई का स्तंभ है, दोनों स्तंभ की स्तंभों की बीच की दूरी जो है आपका वो BC है, और वो 64 मीटर आपका क्या कर दिया गया है, सवाल में दे दिया गया है। सवाल में बोला है स्तंभ AB तथा स्तंभ CD, ये स्तंभ AB तथा स्तंभ CD का उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, AB है ना, AB का आपका कितना है 30 डिग्री है, ठीक, और CD, हाँ CD का 60 है, क्रमशः बोला गया है, इसलिए जिस तरीके से हम लोग क्रमशः लिखते हैं AB का, तो AB में ही हम लोग AB का जितना उन्नयन कोण बन रहा था उतना लिखते हैं। तो पुनः माना कि हम लोग मान लेते हैं, चूंकि ये देखिए हम लोगों को पता नहीं और ये भी पता नहीं, अलग अलग त्रिभुज बना है, तो अलग अलग त्रिभुज में हम लोग मान लिए कि CE, ये CE अगर हम लोग x मीटर मान लेते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा, 64 - x मीटर होगा, क्योंकि हम लोग जैसे जान रहे हैं यहां से यहां अगर 100 मीटर है, तो अगर यहां से यहां 10 मीटर है, इधर कितना होगा 90 मीटर होगा, इस चीज को कैसे लिखेंगे, 100 - 10 इधर 10, तो इधर 100 - 10, यहाँ पे टोटल कितना है 64, इधर x मीटर है, इधर कितना होगा 64 - x होगा, है ना। चलिए अब हम लोग समकोण त्रिभुज, वही लिखा गया BE बराबर 64 - x मीटर, समकोण त्रिभुज ABE में ये आपका 30 डिग्री है ना, ABE में ये कोण 30 डिग्री है। तो अब गौर से देखिए, हमको ये भुजा यहाँ पर दिया गया है, और ये भुजा क्या करना है, ज्ञात करना है, इस दोनों के बीच में कौन सा संबंध आता है, कौन सा, तो टेन का आता है,
तो लिखा गया ए 30 इज इक्वल टू ए बी बाय बी, है ना, दिख रहा ए बी बाय बी दिख रहा है ना। तो एन 30 आपका 1/√3 के इक्वल होता है, बी ए बी है तो ए बी और बी का वैल्यू 64 माइनस एक्स, देखिए दिया आपका 64 माइनस एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ए बी रूट थ्री हो जाएगा और 64 माइनस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ए बी रूट थ्री है, रूट थ्री यहाँ पे गुना में है, इधर आगे क्या बन जाएगा डिवाइड में, तो आपका ए बी का वैल्यू 64 माइनस एक्स बाय रूट थ्री, ये ए बी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हम लोग अगला काम करते हैं, समकोण त्रिभुज डी सी ई में, इसमें डी सी ई में ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, यहां पर देखिए कितना दिया है 60 डिग्री, ज्ञात क्या करना है ये वाला, ये चीज दिया हुआ है, दोनों के बीच में क्या संबंध है टेन का, तो टेन 60 बराबर सी डी बाय सी, टेन 60 मान रूट थ्री, सी डी पता नहीं, सी दिया हुआ है एक्स, ये देखिए एक्स मीटर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सी डी बराबर एक्स रूट थ्री आ जाता है, एक्स रूट थ्री जैसे ही आ गया तो अब हम लोग दिमाग लगाते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं देख लीजिए, सवाल में खुलेआम बोल दिया गया है कि दोनों स्तंभ की ऊंचाई समान है, इक्वल है, हम लोग लिखे भी ए बी बराबर सी डी है ना, तो सी डी की जगह देखिए हम लोग ए बी रख दिए, तो मिस्टेक नहीं हुआ है ना, मिस्टेक से भी सी डी की जगह नहीं लिखा गया, यहाँ पर श्याम लिख दिए, क्यों लिखा गया है, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर होता, तो सी डी की जगह ए बी रख दिया गया, इधर आपका एक्स रूट थ्री रख दिया गया। आगे देखिए ए बी के जगह रख दिया गया 64 माइनस एक्स बार रूट थ्री है, द वैल्यू ऑफ ए बी 64 माइनस एक्स बार रूट थ्री, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक्स रूट थ्री आ जाता है। अब गौर से देखिए क्या किया गया है, ये रूट थ्री कोना कोनी गुना कर दिया गया है, कुछ तो नीचे में वन रूट थ्री और रूट थ्री कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, और तीन इंटू एक्स तीन एक्स हो जाएगा है ना, और 64 माइनस एक्स को वन से गुना करेंगे 64 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इधर 3x आ गया, इधर आपका 64 माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स यानी कि आपका अलग जाति का है, इधर भेज देंगे तो 3x प्लस 4 हो जाएगा है ना, एक्स हो जाएगा माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3x और 1x मिलके 4x हो गया बराबर 64 हो गया, 4 गुना में है, इधर आके क्या बनेगा भाग में है, एक्स को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा है ना, 16 चौका 64, तो द वैल्यू ऑफ एक्स कितना निकल गया 16, तो हम लोग मीटर में माने तो तब लिख देंगे, तो ये आपका क्या निकल गया एक्स का वैल्यू निकला। सवाल में बोला क्या चीज है, स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या है आपका ए बी बराबर सी डी है ना, तो ए बी अगर निकाल लें, यहाँ देख लीजिए हम लोग इसको समीकरण दो मान लेंगे या एक मान लेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी इक्वेशन मान ही नहीं है ना, तो बड़े आराम से लिख देंगे समीकरण एक में से है ना, तो समीकरण एक में लिखा हुआ ए बी इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री है ना, तो या ए बी इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू हम लोग बड़ा ही मेहनत करके निकालेंगे 16 है ना, तो ये आपका 16√3 हो जाएगा मीटर सर। तो अब हम लोग अब लिख देंगे, तो चूंकि वहां कटिंग होने वाला चीज होता है, टोटल का टोटल अनुपात ही है ना, तो वहां पे नहीं रहता, ऊपर भी देखिए मीटर मीटर कैंसिल रहेगा, इसलिए वहां पे लिखा नहीं चले जाता, तो ए बी जो है आपका क्या निकल गया इतना निकल गया, तो ए बी किसके बराबर है सी डी के बराबर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं दोनों स्तंभों की ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो ए बी होगा बराबर सी डी होगा, और कितना निकल जाएगा ए बी किसके बराबर है 16√3 के बराबर, तो यहाँ चूंकि ऊंचाई है तो ऊंचाई कुछ ना कुछ में होता है मीटर में सेंटीमीटर में, तो वो आपका लिख दिया जाएगा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं ठीक। तो इस तरीके से हम लोग स्तंभों की क्या कर लिए ऊंचाई ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार का और भी सवाल है आपका 40 से लेकर के 50 तक, आप टोटल सवाल को सॉल्व कीजिए, जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा अपना दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाइएगा ठीक है।